हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में करीब 65% मतदान हुआ है, जबकि अंतिम आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 1,83,90,525 मतदाता हैं। अभी तक मिली सूचना के अनुसार करीब 65% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों से खिड़की के पास ईवीएम मशीन होने की शिकायत मिली थी, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए खिड़की से दूर किया गया। उन्होंने बताया कि ई डैशबोर्ड के माध्यम से चुनाव आयोग को सूचना मिल रही थी कि किस मतदान केंद्र से पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है और कौन सी पार्टी अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच चुकी है। भविष्य के निर्धारण के लिए दिया, इस मौके पर जितने कर्मचारी थे, 1,25,000 के करीब कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी पर थे, चाहे वो पोलिंग पार्टीज थी, सेक्टर ऑफिसर्स थे, और ये 1,25,000 के करीब सिविल कर्मचारी थे और पुलिस के करीब 75,000 कर्मचारी थे। तो हम उन सब का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी मजबूती के साथ निभाया। सभी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स, सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स, सभी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, सभी एसपीज का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को जितनी मजबूती से निभाया, उसके कारण इस चुनाव का सफल संचालन संपन्न हो सका। साथ में आप सबका, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने इस चुनाव में बहुत रुचि दिखाई और मुझे उम्मीद है कि आज का जो प्रबंध था और भोजन का, नाश्ते का जो प्रबंध था, उसमें कोई कमी नहीं रह गई होगी। अगर रह गई है तो उसके लिए हम इम्प्रूव कर लेंगे उसको, क्योंकि यही इंतज़ाम हमें 24 को भी करना है। तो कृपा करके, मतलब इफ़ इट वॉज बिकॉज वी वॉन्टेड टू कीप इट इन 30 बेस बिल्डिंग, 30 बेस बिल्डिंग में हमने एक बहुत अच्छा कंट्रोल रूम बनाया है, उसकी भी आपको आपने वीडियो क्लिप दिए या नहीं दिए, जहाँ पर वेबकैम्स हैं, जहाँ पर तकरीबन 12 टीवी स्क्रीन्स लगे हैं, एक बड़ा एलईडी स्क्रीन लगा है, फ़ोन है और सब कुछ है। तो मैंने ये कहा कि इन सब चीज़ों को छोड़कर यदि हम हरियाणा निवास में बैठ जाएंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा ढंग से। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनाव में 1,83,90,000 मतदाता थे और मतदाताओं की संख्या हम समय समय पर आपको बताते रहे हैं, और तकरीबन 65% मतदान इस चुनाव में हुआ है और आखिरी संख्या आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज पोलिंग पार्टीज़, अभी कई पोलिंग पार्टीज़ तो पोलिंग स्टेशन पर हैं। जो लोग वेट कर रहे थे पोलिंग एट द टाइम ऑफ क्लोज ऑफ पोल एट 6 o'clock, दे मे स्टिल बी वोटिंग, सो वी विल गेट टू नो, सो इट विल सर्टेनली बी अबव 65%। एंड वेरी इंटरेस्टिंग aspects of this election were certain campaigns which I want to highlight, because commission की दिव्यांग मतदाताओं के प्रति बहुत एक soft corner है, और commission की नीति है कि सभी दिव्यांग मतदाताओं को जितना संभव हो उतनी सहूलियतें दी जा सकें। आज हम एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और संभव होगा तो वो आपको दिखाएंगे भी। करनाल जिले ने दिव्यांग मतदाताओं की को सुविधा देने के लिए आगे बढ़कर काम किया है, और जब हम दिव्यांग की बात करते हैं
तो हम लोकोमोटर दिव्यांग की बात करते हैं। जब हम दिव्यांग की बात करते हैं, हम रैंप की बात करते हैं और हम व्हील चेयर की बात करते हैं, पर ये दिव्यांग मूक और बधिर लोग हैं। मूक और बधिर दिव्यांगों के लिए करनाल जिले में 5 स्थानों पर उन्होंने टीवी स्क्रीन लगाए और साइन लैंग्वेज में उनको कम्युनिकेट किया। बहुत अच्छी वीडियो है, हम आपको सबको सर्कुलेट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये प्रशासन की सेंसिटिविटी को दिखाता है। इसके अब 1 मिनट मैं अपना ख़त्म कर लूँ, फिर आप इसके प्रति। इसके अतिरिक्त हमने 2 ऐप शुरू किए थे नए चुनाव आयोग की अनुमति से, जो कि राज्य स्तर का कम्युनिकेशन ऐप था, और उस ऐप ने हमारी बहुत मदद की, क्योंकि कोई भी सूचना किसी पोलिंग स्टेशन की प्राप्त होते ही उस ऐप के माध्यम से सीधे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम फोन करके उससे पूछ सकते थे। एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पर विंडो के पास में वोटिंग कंपार्टमेंट बना हुआ है, तो हमने उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को फ़ोन करा और उसने तुरंत, और वेब कैमरे पर हमने देखा कि वो उठा और उसने उस खिड़की को बंद करा और उसने अपना जो वोटिंग कंपार्टमेंट था उसको मूव करा। तो इस प्रकार से इट वॉज एन एक्सीलेंट ऐप, और पोलिंग स्टेशंस पर डायरेक्ट चुनाव आयोग की नज़र थी, मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय की नज़र थी, और एक संपर्क सूत्र लगातार बना हुआ था। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप था जो हमने आज पूरी स्टेट में लागू करा। और उसके अतिरिक्त एक हमने और शुरू किया जो SMS बेस्ड ई डैशबोर्ड था, और ई डैशबोर्ड पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने मोबाइल फ़ोन से SMS कर रहे थे। कल शाम से ही शुरू हो गया था। जब पोलिंग पार्टीज अपने स्थान से निकली उस समय उन्होंने SMS किया। हमने तुरंत चुनाव आयोग को सूचित किया कि इतनी पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हो चुकी हैं। जब वो अपनी अपनी बिल्डिंग में पहुंची, उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने SMS किया और हमको जानकारी प्राप्त हो गई कि कौन सी पोलिंग पार्टी कितने बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची है। उसके बाद आज सुबह मॉक पोल हुआ। मॉक पोल के बारे में एक SMS द्वारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने सूचित करा, और उसके बाद हर स्टेज पर 9 बजे और फिर 11 बजे, हर एक दो दो घंटे पर उन्होंने SMS के द्वारा सूचित किया। एंड दिस वॉज ओनली बिटवीन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड अवर सर्वर, सो दैट वॉज वन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एंड एज पर दैट डेटा ऑल्सो 64.68% वोटिंग हैज़ टेकन प्लेस टिल 6 PM, एंड सो द वोटिंग एज आई हैव सेड विल बी मोर देन 65%। सो कई नए काम हमने शुरू करे हैं, और इस प्रकार से आप सबके सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से बहुत अच्छी तरह, कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर की घटना नहीं हुई कोई इस प्रकार की। बाकी ये नवदीप विर्क जी हैं ADGP लॉ एंड ऑर्डर, ही विल ब्रीफ यू अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर, हाउ इट रिमेन्ड, व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच हैपन, एंड देन वी विल ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। आज जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए हैं वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, और कोई भी ऐसी वायलेंस या कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे कहीं पे भी पोल प्रोसेस को विशेष हुआ हो।
अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसमें करीब 13 FIRs दर्ज हुई हैं, 7 नू जिले में, 4 रोहतक में और 2 नारनौल में, बाकी अभी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है। जो भी ये घटनाएं हुई हैं उसमें कोई किसी प्रकार की किसी की मरने की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। नू डिस्ट्रिक्ट में 7 लोगों की इंजरीज की इन्फॉर्मेशन है और लार्जली पीसफुल रहा सारा दिन। अलग अलग सोर्सेज से हमारे पास पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन से और लोगों के मोबाइल फ़ोन से, सोशल मीडिया द्वारा, पत्रकारों द्वारा, कैंडिडेट्स द्वारा, पोलिंग एजेंट्स द्वारा, सबके द्वारा सूचना हमें प्राप्त होती रही और हमने एक सिस्टम बना रखा था। जैसे ही सूचना प्राप्त होती थी तो कोई ना कोई टीम उस पर एक्ट करती थी और जितने इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए उसमें खुद पुलिस हेडक्वार्टर ने डायरेक्ट किया डिस्ट्रिक्ट एसपीज को विज़िट करने के लिए, देखने के लिए, और किसी भी हमने सूचना को लाइटली नहीं लिया, सभी सूचनाओं पे तुरंत एक्शन लिया गया। ये फिरोजपुर झरका से आपका हो गया जी, फिरोजपुर लेडी की डेथ की वो आई इसमें वायलेंस में नहीं, वो जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट है फिरोजपुर झिरका में, मैं आपको बता देता हूँ किस किस गांव में FIR दर्ज हुई है। चिल्ला गांव है, तिगांव है, मलहका है, लहरवाड़ी है, पेमा खेड़ा है, झिमरावट है और रीठड़ है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मलहका गांव की दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उसमें वो लेडी को इंजरीज की इन्फॉर्मेशन है, डेथ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैथल में 6 बजे के बाद कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि ITI गेट के बाहर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे और क्योंकि पोलिंग का समय ख़त्म हो गया था तो उनको वहाँ से तितर बितर करने के लिए थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा, बाकी कोई ऐसी पोलिंग प्रोसेस के ऊपर उससे कोई बाधा नहीं आई। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।